हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सीसीएमएन काउंसलिंग 2021 से जुड़े क्वेश्चन आंसर को लेकर इस वीडियो में हम स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि सर सीसीएमएन काउंसलिंग कब से स्टार्ट होने जा रहा है। तो स्टूडेंट्स इसका जवाब है सीसीएमएन काउंसलिंग जून में स्टार्ट होगा और अभी तक इसका वेब पोर्टल भी डेवलप नहीं हुआ है और ये भी डिसाइड नहीं हुआ कि कौन सा एनआईटी इसको ऑर्गेनाइज कराएगा। तो अभी इसके बारे में कोई भी नोटिफिकेशन आउट नहीं हुआ है। स्टूडेंट्स आप निस्पीकर रहो और हमारे चैनल से जुड़े रहो, जब भी पूरा काउंसलिंग प्रोसेस का इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। स्टूडेंट्स काउंसलिंग को लेकर आप पूरा निस्पीकर रहो, जैसे आईआईटी जेएम का आपको पूरा डिटेल्स पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिली है। इसके साथ स्टूडेंट का सबसे बड़ा सवाल कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेकर भी रहता है कि सर जो हमने आईआईटी जेएम काउंसलिंग में कैटेगरी सर्टिफिकेट सबमिट किया है, क्या वो सीसीएमएन काउंसलिंग में भी एक्सेप्टेबल होगा। स्टूडेंट्स बिल्कुल एक्सेप्टेबल होगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने आईआईटी जेएम काउंसलिंग को पार्टिसिपेट नहीं किया, उनको अलग से बनाना होगा। तो स्टूडेंट्स से उनका सवाल होता है कि सर स्टेट वाला बनाए सीसीएमएन काउंसलिंग के लिए या फिर सेंट्रल वाला। तो स्टूडेंट्स स्टेट का जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो भी एक्सेप्टेबल है सीसीएमएन काउंसलिंग में, और जो सेंट्रल वाला है वो तो एक्सेप्टेबल होगा ही। इसके साथ ही अगर आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आपका आपके लोकल लैंग्वेज में नहीं होना चाहिए, वो हिंदी या इंग्लिश में ही होना चाहिए। स्टूडेंट्स ये आप ध्यान रखना, और जो तहसीलदार से नीचे का जो अधिकारी ऑफिसर है उनका सिग्नेचर नहीं होना चाहिए, आपका एसडीओ का चलेगा, तहसीलदार का चलेगा, एसडीएम का चलेगा, या मजिस्ट्रेट का, डीएम का, इनका वैलिड है बिल्कुल, लेकिन जो नायब तहसीलदार है इनका जो एक्सेप्टेबल नहीं होगा साइन। और अगर आप से अभी लॉकडाउन में कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं बनता तो आप निस्पीकर रहो, उसके लिए अंडरटेकिंग फॉर्म लग जाएगा। अगर आपके पास अभी पॉसिबल नहीं है कैटेगरी सर्टिफिकेट बनना तो उसके लिए अंडरटेकिंग लग जाएगा, आप बिल्कुल निस्पीकर रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का फाइनल ईयर के रिजल्ट को लेकर डाउट है कि सर हमारा अभी फाइनल ईयर का कोई एग्जाम ही नहीं हुआ, हमारे पास फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं है, 30 सितंबर तक जो है रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा, तो हम क्या करें, क्या हमें सीसीएमएन काउंसलिंग पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट्स बिल्कुल आपको सीसीएमएन काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना चाहिए, जो आप ये 30 सितंबर दे रखी है सीसीएमएन में भी आपको 30 सितंबर ही मिलेगा फर्स्ट टाइम में, और आईआईटी जेएम में भी वही दे रखा है, लेकिन आपको जो सीट मिल जाएगी किसी भी आईआईटी एनआईटी में फिर वो आईआईटी एनआईटी खुद डिसाइड करेगी आपको और कितना टाइम देना चाहिए, तो आपको इनफ टाइम मिलेगा। स्टूडेंट्स आपका रिजल्ट को लेकर आपका एडमिशन कैंसिल नहीं होगा, आप बिल्कुल निस्फिक्र रहो, आपको अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक आपको टाइम मिल जाएगा। स्टूडेंट्स से रिजल्ट को लेकर आपका एडमिशन किसी प्रकार से आपका कैंसिल नहीं होगा, आपका सीट अलॉटमेंट के बाद में ये जो डिसाइड है कि आप कब तक रिजल्ट सबमिट कर सकते हैं वो आईआईटी एनआईटी के पास होगा। और भी स्टूडेंट्स आपका सीसीएमएन काउंसलिंग को लेकर कोई भी डाउट है स्टूडेंट्स आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, आपका 3 से 4 आवर के अंदर आपको रिप्लाई मिलेगा। और चैनल से जुड़े रहिए, आपको सीसीएमएन काउंसलिंग से रिलेटेड आपको हर तरह का अपडेट स्टूडेंट्स मिलता रहेगा स्टेप बाय स्टेप। और स्टूडेंट्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक हमारे चैनल को, जो स्टूडेंट्स अभी नए हैं जो आज पहली बार विजिट करें हमारे चैनल को, तो स्टूडेंट्स प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, 70%+ स्टूडेंट ने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, स्टूडेंट्स प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, आपका कोई इसमें। हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सीसीएमएन